आप ये बताएं, मोहब्बत कैसे चेंज हुई है ओवर द टाइम? ठीक है, मोहब्बत पहले तो नहीं थी, शादी के बाद हुई है। अच्छा एक बात मैं क्वेश्चन करूं, सॉरी मैं हाँ क्यूरियस थी ना, तो ये हम ऑफिस में भी डिस्कस कर रहे थे, हाँ फिर मैंने कहा ये सवाल पूछे नहीं जी पूछे। जी जी पूछें पूछें। अरेंज मैरिज थी आप लोगों की, जी जी बातचीत शुरू होगी होगी या कुछ, बट फिर भी अरेंज मैरिज में एक बंदा जिसको आप नहीं जानते उससे शादी कर लेते हैं, एक मुझे लगता है बहुत बड़ा मुश्किल है। डिसीजन होता हाँ है ना, मुश्किल होता है ये? हाँ होता है। हाँ क्योंकि आपको पता नहीं होता ना, कि जब मेरी नई शादी हुई तो मुझे सऊद कहते थे, अच्छा उनको अकेले रहने का वो था क्योंकि वो अकेले रहते थे और मैं फैमिली के साथ रहती थी। अब वो जहाँ बैठे मैं वहीं जाके बैठ जाऊँ जहाँ। फिर एक दिन उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा भाई कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया अगर तुम हर वक्त साथ चिपकी रहोगी। मैंने कहा अब तो मैं साथ ही चिपकी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहीं नहीं जाना। अब कहीं तो अकेला छोड़ दो, अब खबरें देख रहे। मैं भैया बंद करें ना, कुछ और लग यार तुम उधर जाके बैठ जाओ ना, हर वक्त तुम मेरे साथ क्यों चिपकी रहती हो। मैंने कहा तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उनको थोड़ा होता था कि यार ये क्या है, खबरें भी नहीं देखने देते, ये लगा दें वो लगा दें। लेकिन वक्त के साथ हमें ऐसा लगा कि हम दोनों बहुत एक जैसे हैं और बहुत मुख्तलिफ भी हैं एट अ टाइम। बहुत सारी इनकी इनकी अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और बहुत डिफरेंट हैं पर्सनैलिटी भी आपस में एक दूसरे की। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे वो हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे मूवीज़ देखना या कहीं जाना या बैठना या शौक आप बात लोगों के? करना, शौक बहुत एक जैसे हैं। अच्छा तो आप बताई थी शुरू में मोहब्बत नहीं थी, फिर कैसे मोहब्बत हुई, मोहब्बत मैं चेंज, क्या शादी के जर्नी बाद एक्चुअली कैसा मुझे होता ऐसा लगा है? निकाह जब आपका होता है तो अल्लाह की तरफ से वैसे ही दिलों में मोहब्बत आ जाती है निकाह के बाद। और फिर जैसे शादी का टाइम, शादी के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको, एक दूसरे को जानते हैं मुझे ना, लगता है कि अगर आप हाँ एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, फिर आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है, मोहब्बत भी हो ही जाती है, फिर आदत मोहब्बत हो तो जाती है। आदत भी हो जाती है। अगर आपको किसी की आदत है तो आप समझें कि आपको उससे मोहब्बत ट्रू। है। ये है। ये भी एक और मुझे लगता है लफ्ज़ है मोहब्बत के लिए, आदत जो होती है ना, हाँ और आदत शायद ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल होती है मोहब्बत की नस्बत, हाँ क्योंकि मोहब्बत आप आदत छोड़ छोड़ना, सकते हैं, आदत नहीं छोड़ आदत नहीं छोड़ सकते। हाँ, सकते। ये कितनी हम इंटरेस्टिंग बातें, बट फिलोसॉफिकल मुझे ऐसा बातें लगा कर इससे रही, बच्चों के पास ज़्यादा मोहब्बत बढ़ बॉन्ड जाती है। ज़्यादा हो गया। क्योंकि देखें मैं बताऊँ, मोहब्बत जब आपको ज़्यादा होती है, जब आप दुख में एक साथ रोएं और जब आप खुशियों में एक साथ रोएं, ये तो आपने इतनी वो ज़बरदस्त आपकी बात मोहब्बत बोली है, बढ़ाती है और सही आपको कह उस रही वक्त हैं। एहसास होता है हाँ कि आपको एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है। जब हमारी क्योंकि आप बेटी साथ पैदा खड़े हुई होते हैं ना, ना। हाँ जब हमारी बेटी पैदा हुई, उस वक्त जब हम रोए हैं ना उसको देख के, तो वो मोहब्बत का एक अलग ही चेहरा था। और फिर जब इनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो फिर वो जो एक रोए हैं वो मोहब्बत का अलग ही अंदाज था। तो उससे आपको पता चलता है कि आपको एक दूसरे से कितनी मोहब्बत, एक साथ रोए खुशियों में और दुख में एक साथ रोना, वो एक्चुअली मोहब्बत होती है। ये है मोहब्बत। आप क्या आजकल ऑब्जर्व करती हैं जब आसपास देखती हैं लड़कियों में, क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो आपको लगता है थोड़ी सी शायद चेंज होनी चाहिए? जैसे जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो हम शायद ओवर द टाइम छोड़ते जा रहे हैं, और उसी वजह से नहीं हमारी मुझे ऐसा रिलेशनशिप्स पे। लगता है आजकल के लोगों को देख के, मुझे नहीं पता अब ये सच है या गलत है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम लोग क्लास कॉन्शियस हो गए हैं मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा आ रहा है। हर चीज़ में। क्लास, इसकी ये ओके क्लास है, उसकी वो क्लास है, उसकी वो क्लास है, मतलब ये क्लास क्या होती है? ये रुतबे अल्लाह देता है सबको, सही बात है। इंसानों का काम नहीं है ये देना कि आप किसी को कहें कि इसकी कोई क्लास नहीं है, उसकी कोई क्लास नहीं है। मैं सुनती हूँ ना चीज़ें, ये तो बी क्लास आर्टिस्ट है, ये तो सी ओ ग्रेड आर्टिस्ट है, या ये इस आदमी की क्लास नहीं है, उस औरत की कोई क्लास नहीं है। आप कौन होते हैं किसी को क्लास देने वाले? क्योंकि ये चीज़ें हमारे शोबिज़ में भी बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। मैं कहती हूँ आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, ट्रू। ठीक है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, या ठीक है ना, या आप कैरेक्टर ये कह रोल्स सकते करते हैं। कैरेक्टर आर्ट, हाँ कैरेक्टर रोल कर सकते हैं, या हीरो है हीरोइन है, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते ये तो सी क्लास है, ये तो डी क्लास है। मुझे घबराहट होती है अल्फाज सुन के। मैं सोचती हूँ कि आपको अल्लाह का कोई डर नहीं है कि आप लोगों की कैटेगरीज बना रहे हैं कि इसकी ये कैटेगरी है, उसकी वो कैटेगरीज। आप कौन होते हैं? ये काम अल्लाह का है, किसको क्या जगह देनी है, किसको क्या रुतबा देना है। सही बात है। ये चीज़ें बहुत हमारे लोगों में आजकल फैल गई हैं और मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा चीज़ें आई हैं ये। प्रेशर ज़्यादा है। हाँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमारे हमारे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस तरह का कर दिया है। यहाँ तक कि जो दूसरे, अगर आप दूसरी फील्ड में चले जाएँ और जॉब्स के लिए लड़कियाँ जाती हैं,
तो उनके भी हुलिये से देखकर उनको नौकरी दी जाती है, उनकी उनकी आप ये नहीं देखते कि कितनी उनकी एजुकेशन क्या है, वो कितना कैपेबिलिटी कितनी है। हाँ, वो आप उनको सिर्फ उनका हुलिया देख के, तो ये मुझे क्योंकि हर इंसान को ग्रूम होने के लिए टाइम चाहिए होता है, सही ठीक है बात ना, है। ठीक है, मुझे काफ़ी मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो ग्रूम हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है, लेकिन हम लोग अब लोगों की हुलिये देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके साथ बैठना है या इसके साथ नहीं बैठना है। ये चीज़ मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती है आजकल लोगों में, ख़ासकर हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा आ गया है, ये नहीं होना चाहिए। जजमेंट एंड मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, अब मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ख़ासकर मेरी बेटी को, कि उसकी शर्ट पे या उसके कपड़ों पे या उसकी किसी भी चीज़ पे किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ। वो कहती है आप कुछ भी लें मेरे लिए, मुझे यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, because she doesn't want to be part of this नहीं, कहती मेरे यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम ना लिखा हो मामा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उनको क्या कपड़े पहना रही हूँ क्या नहीं पहना रही। मेरे बच्चों ने कभी ये नहीं कहा हमें ये ब्रांड चाहिए हमें वो ब्रांड चाहिए, कभी नहीं आज तक। माशाल्लाह से इतनी इतने साल हो गए आपकी शादी को, इतना अच्छा आप दोनों का रिलेशनशिप, जब भी मैं देखती हूँ मेरे मेरे से मुँह से माशाल्लाह निकलता है और अभी भी निकल रहा है बार बार। क्या एक दो चीज़ें आप कहना चाहेंगी जो यंग कपल्स सुन रहे हैं, यंग लड़कियाँ सुन रही हैं, या यंग लड़के सुन रहे हैं आपको, कि शादी या रिलेशनशिप के लिए एक दो चीज़ें क्या ज़रूरी लगती हैं आपको, दो तीन चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है औलाद। हमारे यहाँ देखा है मैंने कि अब जो शादियाँ कर रहे हैं ना लोग, वो कहते हैं कि जी 1 साल 2 साल 3 साल बाद, तो 4 साल बाद, अभी तो हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो बीच में जो आपकी मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ है वो आपकी औलाद है, अगर जो आप सेल्फिश नहीं हैं। ओके, हमारे यहाँ लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इतना हद से बढ़ जाएं अपने लिए कि आप अपने आसपास देखें ही ना। दूसरी चीज़ सब्र नहीं है, टॉलरेंस है ही नहीं, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। ये चीज़ें जब नहीं होंगी आपके रिश्तों में तो आप किसी भी रिश्ते को लेके नहीं चल सकते। आप माँ बाप बहन भाइयों के साथ भी लाइफ गुजारते हैं ना, उनकी चीज़ें भी बर्दाश्त करते हैं ना, आपको पता है यहीं रहना है, आपने कहीं जाना थोड़ी है, ठीक है ना। लेकिन आप फिर अपने शौहर की चीज़ें क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो भी बर्दाश्त करें ना, क्योंकि वो तो एक डिफरेंट जगह से है, आप एक डिफरेंट माहौल से हैं। जब आपकी शादी हुई है तो मैं कहती हूँ अगर आपने शादी के 3-4 साल अच्छे गुजार लिए तो आप निकल जाते हैं, आगे सब सेट है। हाँ, लेकिन मर्द का भी, मैं सिर्फ औरत को नहीं कह रही, मैं मर्दों की भी बात कर रही हूँ, उनका भी यही कह रही हूँ, उनको भी बर्दाश्त की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ बस वही है ना कि आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं ना वो आपको कहीं का नहीं रहने देते। अगर आपने उनसे जीत गए ना तो फिर आप अपनी लाइफ में जीत गए हर चीज़ से। मैं ये भी सोचती हूँ अगर हम खुद सेल्फिश हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा। मुझे मैं ये बात सोचती हूँ यू नो कि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आप ही अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, आप किसी दूसरे को मौका नहीं देते, आपको लगता है कि आप ही कुछ कर सकते हैं अपने लिए, दूसरा कुछ नहीं करेगा आपके लिए। इसलिए आप सेल्फिश हो जाते हैं कि अपने लिए सोचो भाई मैं ही कर सकता हूँ ये, जबकि आप दुनिया में जो देंगे ना वही आपको मिलेगा। सही बात। आप मोहब्बत बांटेंगे आपको मोहब्बत मिलेगी, आप नफरत देंगे आपको नफरत मिलेगी, आप इज्जत देंगे आपको इज्जत मिलेगी। सही बात है। जो चीज़ आप देंगे ना अल्लाह आपको वही वापस करेगा, ये तो मेरा यकीन है। हमारे यहाँ ना ईमान पक्के नहीं अब लोगों के किसी भी चीज़ में। आप अगर आप इस बात पर यकीन कर लें कि आपके नसीब में जो है वो आपको मिल के रहना है,